हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। हे गाइस, वेलकम टू गुरु मंत्र। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा। एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी करंटली एग्जाम दिया है सीएसआईआर नेट का दिसंबर 2019 में, वो अपना बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार, आंसर कीज का इंतज़ार कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ इस सेशन में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो है देखेंगे जो कि अभी जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड में कंडक्ट हुआ, उसमें जो है पूछे गए थे। एंड डेफिनेटली ये वही टॉपिक्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड आगे भी ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। बिकॉज जो डिफरेंट मॉड्यूल्स, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल टिल 13 मॉड्यूल, आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए दे वर फ्रॉम द टॉपिक्स जो कि एक बेस बनाते हैं उस मॉड्यूल का। तो चलिए एक बार देखते हैं कि किस किस टॉपिक से जो है इस बार क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। ओके गाइस, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस, अराउंड 8 मार्क क्वेश्चन जो था वो एग्रोबैक्टीरियम से आपसे पूछा गया, आपकी यूनिट नंबर 12 दैट इज अप्लाइड बायोलॉजी, जहाँ ट्रांसजेनिक का भी कंसेप्ट आता है, वहाँ ट्रांसजेनिक के से भी क्वेश्चंस थे एंड एग्रोबैक्टीरियम पर भी क्वेश्चंस थे। सो इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया एंड डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमेशा ही रहता है। सेल साइकिल में से क्वेश्चंस वर देयर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पर भी क्वेश्चंस थे जो हमेशा रहते हैं, एंड दीज आर लाइक द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर इसके बाद स्टीरॉयड हॉर्मोन्स एंड उनके रिसेप्टर, सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन की आप बात करें, दैट इज़ योर मॉड्यूल 4th। अगर आप सीएसआईआर की सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका जो 4th मॉड्यूल है उसका बिल्कुल बेसिक पार्ट, जिसमें हम टाइप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड रिसेप्टर से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, उस पर भी आपका क्वेश्चन आया। आफ्टरवर्ड्स सोडियम पोटेशियम पम्प, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फ्रॉम योर यूनिट नंबर 7 ह्यूमन फिजियोलॉजी में से जो है क्वेश्चन पूछा गया, एंड मैंने काफ़ी बार आप लोगों को इंडिकेट भी किए थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन वॉज देयर फ्रॉम ECG। अगेन प्लांट हॉर्मोन्स पर भी क्वेश्चन थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछता है, लाइक सिंपल रेलिवेंट फंक्शंस के नहीं, थोड़ा सा डीप में जाकर जो है क्वेश्चन आने लगे हैं, एंड वही सिनेरियो इस बार भी देखा गया। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ब्रेसिनोस्टीरॉइड्स, इस पर क्वेश्चन था सेक्शन सी में, एंड आपको लाइक इनके रिसेप्टर कैसे हैं, सॉल्यूबल हैं या सेल सरफेस रिसेप्टर है, पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे अगर इनका देखें एंड किस तरीके से वो पाथवे एग्जीक्यूट करता है, लाइक कौन से इवेंट्स होते हैं, डिग्रेडेशन का इवेंट होता है या फिर फॉस्फोराइलेशन का इवेंट होता है, डीफॉस्फोराइलेशन का इवेंट होता है, इस तरीके की थोड़ी सी डीप नॉलेज जो है वो प्लांट हॉर्मोन्स के क्वेश्चन से पूछी गई, एंड सेक्शन सी का ये क्वेश्चन था। फिर इसके बाद इकोलॉजी की तरफ बढ़ें तो टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच पर जो है क्वेश्चन था। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से अगेन एक्सक्रीशन, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्वेश्चन था। C3, C4 पाथवेज पर भी क्वेश्चन थे, एंड शायद आप लोगों को ध्यान हो तो जब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कशन हुआ था, जब क्लासेस हमारी कंडक्ट हुई थी, फ्री क्लासेस एंड प्लस सेशंस हुए थे, वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बोला था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर चार्ट आप लोगों को याद करना था, जिसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की तरफ आपको ध्यान देना था, लाइक CO2 कंपनसेशन पॉइंट हो गया, एंजाइम्स कौन कौन सी यूज हो रही है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, कितना क्या रेशो है, एवरीथिंग लाइक दैट। RTK पर क्वेश्चंस थे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमेशा क्वेश्चन रहता है, आपकी यूनिट नंबर 11 दैट इज इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर सेक्शन सी के क्वेश्चंस थे, एंड बिहेवियर वाले पार्ट से भी क्वेश्चन थे मीटिंग बिहेवियर पर। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो चिक डेवलपमेंट पर जो था क्वेश्चन आया हुआ था। आफ्टरवर्ड्स अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी दैट इज योर यूनिट नंबर 5 में से जो है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मैमल्स, लाइक जब हम स्टेजेस पढ़ते हैं मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, न्यूरिलेशन, उसमें जो है इनर सेल मास ICM को लेकर एक क्वेश्चन था जिसमें उसकी पोटेंसी के बारे में जो है वो पूछा गया था। अगेन इवोल्यूशन एंड बिहेवियर से फाइलोजेनेटिक ट्री पर क्वेश्चन था। tRNA, आई टोल्ड यू गाइस डेफिनेटली काफ़ी समय से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन था एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल्स दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी. इसमें न्यूक्लिक एसिड में ए बी जेड डी एन ए के रिगार्डिंग क्वेश्चन था. अगेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर क्वेश्चन था. फाइटोक्रोम्स पर क्वेश्चन था लाइक फोटो रिसेप्टर्स पर. पी एफ आर टू पी आर कन्वर्जन पर क्वेश्चन वर देयर. वाइटामिन्स पर क्वेश्चन वर देयर ए बी डी के एंड इनसे अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो उनसे रिलेटेड क्या जो है डिसीजेस होंगी क्वेश्चन वॉज देयर. पेडिग्री पर भी एक क्वेश्चन आया था जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगा. एंजाइम काइनेटिक्स पर क्वेश्चन वर देयर. ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म पर भी क्वेश्चन था. कोप वन रिलेटेड मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन जो है इससे रिलेवेंट क्वेश्चन जो है आया था. प्लांट डिसीज एंड पैथोजन इंटरेक्शन. ड्रोसोफिला डेवलपमेंट लाइक म्यूटेशंस के केस थे. नैनोज जीन के बारे में जो था डिस्क्रिप्शन था इस पर क्वेश्चन आया था. फिर उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ पर चले. पॉपुलेशन इकोलॉजी पर चले जहाँ हम एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ते हैं. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पर देर वॉज अ क्वेश्चन. फ्रैप टेक्निक पर क्वेश्चन था. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में टाइप्स ऑफ एग बेस्ड ऑन यॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन वॉज देयर. आर एन ए पॉलीमरेज एंड उसके फंक्शन. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन. बार बॉडी से रेलिवेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट अगर हम फर्दर मूव करते हैं देन इवोल्यूशन एंड बिहेवियर दैट इज अगेन योर यूनिट नंबर 11. यहाँ से मेटिंग बिहेवियर पर कुछ क्वेश्चंस थे. लाइक काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो मेटिंग बिहेवियर को जज करने के लिए दिए गए थे. दो तीन क्वेश्चंस जो थे वो आए थे एंड हमेशा ही ये इंपॉर्टेंट रहा है आगे भी रहेगा. साइटोस्केलेटन एंड इट्स रोल दैट इज फ्रॉम योर यूनिट नंबर 2. सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन. माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. न्यूमेरिकल भी आया था ऑन हार्डी विनबर्ग इक्वेशन. इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस लाइक स्पाइट से रेलेवेंट जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था. ग्लू ट्रांसपोर्टर पर एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन था जो कि मिक्स क्वेश्चन था. फिर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पर क्वेश्चन फॉर देयर मॉडिफिकेशन को रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन थे लाइक एसिटाइलेशन मिथाइलेशन रिप्रेशन से रेलेवेंट क्वेश्चन आया हुआ था. अगेन नर्वस सिस्टम में एक्शन पोटेंशियल से रेलेवेंट क्वेश्चन था. एंडोक्राइनोलॉजी हॉर्मोन से रेलेवेंट काफ़ी क्वेश्चंस थे एंड दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट आगे भी रहेगा. फर्टिलाइजेशन पर क्वेश्चंस थे. सेल साइकिल कंट्रोल एंड रेगुलेशन पर चेक पॉइंट्स पर कुछ क्वेश्चंस थे. इस बार कुछ क्वेश्चंस जो है वो बायोस्टैटिक्स पर भी देखे गए. गाइस आपकी जो यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 13 या फिर मॉड्यूल नंबर 13 जो कि है आपकी मेथड्स इन बायोलॉजी. देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको छोड़ देते हैं बट मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़ना चाहिए. इसी में ही एक पार्ट है जिस पर जो है थोड़ा स्टैटिस्टिक्स रेलेवेंट कंसेप्ट्स के बारे में जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए. काई स्क्वायर टेस्ट टी स्क्वायर टेस्ट इस तरीके से जो है टी टेस्ट इस पर क्वेश्चंस आते हैं. दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं. पैरासेंट्रिक इन्वर्जन पर क्वेश्चन था. प्लांट हॉर्मोन्स पर क्वेश्चन था. अगेन आरएपीडी आरएफएलपी एएफएलपी दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन टॉपिक से भी देखे गए. सी गाइस क्वेश्चंस की लिस्ट देने के पीछे एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आपसे पूछे भी गए एंड दीज टॉपिक्स विल रिमेन द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. इसलिए मैंने यहाँ पर ये मार्क भी एक तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है. कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. डेफिनेटली एक एक करके मैं उनको डिस्कस करूंगी. वी विल हैव प्रॉपर डिस्कशन ऑन देम ऑल्सो. बट यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं इनको आपको याद रखना है. एंड इन केस आपको और भी टॉपिक्स के नाम अगर याद हैं और क्वेश्चंस आपको याद हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सो दैट आने वाले स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए. जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको मदद मिल सके एंड इनफैक्ट आप भी साथ साथ इम्प्रूव कर सको जब आप और चीज़ें जानो. गाइज एज यू नो दैट मैं आपको अनअकैडमी पर भी पढ़ाती हूँ. अनअकैडमी प्लस पर फॉर CSIR जून 2020 एग्जाम बैचेस जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं. क्लासेस लेनी मैंने शुरू कर दी हैं. दीज आर द कोर्सेज दैट आर रनिंग. दीज आर माई अपकमिंग कोर्सेज जो कि एक बैच कोर्स होने वाला है. अगेन एक डिटेल कोर्स एज एन इंडिविजुअल कोर्स ऑन योर सेकेंड यूनिट दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आई विल टेक इट. इस पर भी मैं आपको पूरा का पूरा जो है अच्छे से ये यूनिट आपकी प्रिपेयर कराऊंगी. इसके साथ डेवलपमेंटल बायोलॉजी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग आपका सेक्शन है एंड और भी यूनिट से मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको कवर कराने वाली हूँ प्लस कोर्सेज में ऑन एन अकेडमी प्लस. सो गाइज इन केस यू आर प्रिपेयरिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं.
इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन प्लस, जहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, टॉप एजुकेटर्स आपकी क्लास लेते हैं, वीकली क्विजेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 month अपनी नीड के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करके एक मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेरीज। एंड आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। आपको तरीका पता है तो श्योरली आप बिल्कुल उसके आगे भी अकॉर्डिंग में एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट जो है वो टोटल फीस पर मिल जाए। सो गाइस, आई होप सो कि ये चीज़ें उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहें, ये रिव्यूज़ आपके जो कि स्टूडेंट्स ने अभी पेपर नहीं दिया है, एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप सबने जो पेपर दिया है आप फर्स्ट बैच थे जिन्होंने CSIR CBT मोड में दिया एंड मिक्सड रिव्यूज़ आए। होपफुली सबका सब कुछ बहुत अच्छे से आगे जाए एंड आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ में रहें।